दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पांच ऐसे स्मार्टफोन्स जो आपको मिलते हैं 8000 रुपए के प्राइस पॉइंट के अंदर या 8000 के आसपास मिलते हैं। तो अगर आपका भी बजट है 8000 रुपए के आसपास, अपने लिए एक अच्छा स्मार्टफोन आप ढूंढ रहे हो नवंबर 2020 के महीने में, तो ये वीडियो आपके काफी काम का है भाई। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देख लेना, डेफिनेटली आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा फोन सही रहने वाला है। पांच फोन मैंने यहां पर पिक किए हैं और ये एक ऐसा प्राइस पॉइंट है जहां पर अलग अलग कैटेगराइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है भाई। बाकी जो सेगमेंट्स होते हैं प्राइस के, वहां पर आपको पता है हम कैसे डिवाइड करते हैं। गेमर्स के लिए अलग फोन बताते हैं, जिनको डेली यूसेज के लिए चाहिए उनके लिए अलग होता है, कैमरा वालों के लिए अलग होता है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पर कैटेगराइज करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है, पांच फोन आपको बताने वाला हूं, पांचों फोन अच्छे फोन है। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट अपन रखते हैं 200 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनको एक बड़ा डिस्प्ले चाहिए या जिनको एक बड़ी बैटरी चाहिए या जिनको दोनों चाहिए। भाई बड़ा डिस्प्ले भी चाहिए, बड़ी बैटरी भी चाहिए, कंटेंट वॉच वगैरह ज्यादा करते हैं, तो वो लोग जा सकते हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस की तरफ। इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला एक डिसेंट फोन है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। प्लास्टिक बिल्ड के ऊपर आपको मिलता है, 6.82 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले यहां पर आपको मिलता है, सिनेमैटिक डिस्प्ले यहां पर दिया गया है, HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आता है, IPS LCD पैनल यहां पर आपको मिलता है, तो अच्छा डिस्प्ले यहां पर दिया गया है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो मीडियाटेक हीलियो A25 चिपसेट यहां पर आपको मिलता है, जो कि एक ठीक ठाक चिपसेट है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देगा, डे टू डे की परफॉर्मेंस आपकी अच्छी निकाल देगा। गेमिंग इसके साथ में आप अच्छी नहीं कर पाओगे, तो गेमिंग के लिए अगर लेना है तो ये फोन के लिए नहीं जाना है। थोड़ी बहुत भी अगर आप गेमिंग करते हो अच्छे लेवल की तो फिर इस फोन की तरफ नहीं जाना है। कैजुअल गेमिंग, सबवे सर्फर, कैंडी क्रश ये सब आप खेल सकते हो, लेकिन फ्री फायर की बात हो गई या हम बात कर ले पबजी वगैरह की, तो वहां पर आपका एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। कैमरास पर आते हैं, ड्यूअल कैमरा सेटअप पीछे की तरफ मिलता है, 13+ VGA कैमरा मिलता है पीछे, 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, 6000 mAh की बैटरी मिलती है, 10W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, 10W का चार्जर बॉक्स में मिलता है, 3GB+32GB वाला वेरिएंट आपको मिल जाता है 7999 रुपए में। बड़ी बैटरी या बड़ा डिस्प्ले या बड़ी बैटरी और बड़ा डिस्प्ले आपको चाहिए तो इस फोन की तरफ आप जा सकते हो। इसके बाद आगे चलते भाई बात करते हैं उन लोगों की जिनको स्मार्ट 4 प्लस से थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, जिनको थोड़ी सी गेमिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, वो लोग पोको C3 की तरफ जा सकते हैं। पोको C3 में आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलती है, डिजाइन फोन का अच्छा है, टू टोन फिनिश में आता है, दिखने में फोन अच्छा लगता है, प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, 6.53 इंचेस का डिस्प्ले यहां पर आपको मिलता है, HD प्लस रिजोल्यूशन मिलता है, IPS LCD पैनल दिया गया है, तो ठीक ठाक साइज का डिस्प्ले भी यहां पर आपको मिल जाता है। परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक हीलियो G35 चिपसेट मिलता है, जहां पर आपको डे टू डे की परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है। गेमिंग भी आप इसमें ठीक ठाक कर सकते हो, पबजी वगैरह कॉल ऑफ ड्यूटी इसके अंदर खेल सकते हो, अगर पबजी इंडिया आ जाता है तो, अदरवाइज कॉल ऑफ ड्यूटी आप इसके अंदर खेल सकते हो। परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक मिल जाएगी भाई, बहुत ज्यादा खराब परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। कैमरास की बात करते हैं तो ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है 13+2+2 MP का, यहां पर 13 MP का प्राइमरी कैमरा है, 2 MP का मैक्रो मिलता है, 2 MP का डेप्थ सेंसर मिलता है, 5 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, 5000 mAh की बैटरी यहां पर आपको मिलती है, 10W की फास्ट चार्जिंग मिलती है और 10W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, 7499 रुपए में आपको मिलता है 3GB+32GB वाला वेरिएंट। तो हल्के फुल की गेमिंग अगर आपको करनी है तो आप पोको C3 की तरफ जा सकते हो। इसके बाद बात करते हैं भाई नॉन चाइनीज वाले लोगों की, जिनको चाइनीज फोन में इंटरेस्ट नहीं है, नॉन चाइनीज लेना है, या ऐसे लोग जिनको कोई UI पसंद नहीं है, कोई ब्लोटवेयर पसंद नहीं है अपने फोन में, जो स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, या जो इंडियन फोन खरीदना चाहते हैं, वो लोग जा सकते हैं Micromax IN1B की तरफ। Micromax IN1B प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, ग्लास प्रोटेक्शन फ्रंट में मिलता है, 6.52 इंचेस का HD प्लस रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है, IPS LCD पैनल दिया गया है, डिस्प्ले अच्छा है, दिखने में फोन अच्छा है, अच्छे अच्छे कलर्स यहां पर आपको मिलते हैं, ओवरऑल गुड लुकिंग फोन है। परफॉर्मेंस की बात करते तो मीडियाटेक हीलियो G35 वाला चिपसेट मिलता है, जैसा मैंने आपको बता ही दिया, डे टू डे के काम तो अच्छे से निकाल लेता है, ठीक ठाक लेवल की गेमिंग भी आपको करा देता है, तो परफॉर्मेंस से ज्यादा शिकायत आपको नहीं आएगी। डुअल कैमरा सेटअप आपको पीछे की तरफ मिलता है, जहां पर 13 MP का प्राइमरी कैमरा है, 2 MP का डेप्थ सेंसर मिलता है, फ्रंट में आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा यहां पर आपको मिलता है। बैटरी की अगर बात करते तो 5000 mAh की बैटरी यहां पर दी गई है, उसी के साथ में 10W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, 10W का चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। सबसे बड़ी खासियत इस फोन की यह है कि 4GB+64GB वाला वेरियंट आपको मिल
जाता है मात्र 7,999 रुपए में, और 2GB प्लस 32GB वाला वेरियंट आपको मिलता है 6,999 रुपए में। तो 4GB 64GB वाला वेरियंट अगर आपको चाहिए, या आपको स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए, इंडियन फोन खरीदना है या नॉन चाइनीज फोन खरीदना है, माइक्रोमैक्स इन 1B की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। आगे चलते भाई, बात करते हैं उन लोगों की जिनको परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए, जिनको G35 की परफॉर्मेंस भी पसंद नहीं आती है, थोड़ी और बेटर परफॉर्मेंस जिनको चाहिए, वो लोग जा सकते हैं Realme Narzo 20A की तरफ। Realme Narzo 20A 8000 के अंदर तो आपको नहीं मिलता है, 8000 से थोड़ा ऊपर जाता है भाई, 8499 8500 के आसपास मिलता है, लेकिन परफॉर्मेंस यहां पर काफी अच्छी मिलती है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से अनमैच्ड परफॉर्मेंस यहां पर आपको मिलेगी। Realme Narzo 20A प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, ग्लास फ्रंट मिलता है, 6.52 इंचेस का डिस्प्ले आपको मिलता है, HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है, IPS LCD पैनल यहां पर दिया गया है। जैसा हमने बात करी परफॉर्मेंस की, Qualcomm Snapdragon 665 चिपसेट यहां पर आपको मिलता है, 665 चिपसेट की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, काफी तगड़ी परफॉर्मेंस देता है, डे टू डे के काम तो मक्खन जैसे निकाल देता है, और भाई G35 से कहीं ज्यादा बेटर गेमिंग की परफॉर्मेंस भी आपको दे देगा। तो गेमिंग वगैरह के लिए भी अगर आपको फोन लेना है, 8000 के आसपास आपका बजट है, इस फोन की तरफ आप देख सकते हो। कैमरा की बात करते हैं, ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है 12+2+2 मेगापिक्सल का, 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, 5000 एमएएच की बैटरी मिलती है, 10 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, 10 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में मिलता है, 3GB प्लस 32GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 8499 रुपए में। परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस के लिए आपको अगर फोन लेना है, Realme Narzo 20A की तरफ आप जा सकते हो। आगे चलते भाई लिस्ट में, बात करते हैं पांचवे फोन की। जो पांचवा फोन है ये लिस्ट में पांचवा ही फोन है, मतलब अगर ऊपर के चार फोन आपको किसी कारणवश पसंद नहीं आते हैं तो ही आपको इस फोन की तरफ जाना है, अदरवाइज ऊपर के चार में से कोई फोन देख लेना। फोन का नाम है Redmi 9A। Redmi 9A प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, 6.53 इंचेस का डिस्प्ले आपको मिलता है, HD प्लस रेजोल्यूशन मिलता है, IPS LCD पैनल दिया गया है, परफॉर्मेंस के लिए यहां पर आपको MediaTek Helio G25 वाला चिपसेट मिलता है, जो कहीं ना कहीं P22 जैसा चिपसेट है, P22 से थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस आपको दे देता है, लेकिन डे टू डे की परफॉर्मेंस ठीक ठाक आपको मिलेगी, गेमिंग आप इसके साथ में नहीं कर सकते हो। कैमरास की बात करते हैं, बहुत सिंपल कैमरा मॉड्यूल मिलता है, 13 मेगापिक्सल का कैमरा पीछे की तरफ आपको मिलता है, 5 मेगापिक्सल का कैमरा आपको आगे की तरफ मिलता है, सिंगल सिंगल कैमरा दोनों तरफ दिए गए हैं। बैटरी की अगर बात करते हैं तो 5000 एमएएच की बैटरी मिलती है, 10 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, 10 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। प्राइस पॉइंट की अगर बात करते हैं, 2GB प्लस 32GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 6,799 रुपए में, 3GB प्लस 32GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 7,499 रुपए में। तो बजट आपका अगर कम है, 7000 से भी अंदर आपका बजट है, 6,500 के आसपास, तो ही आप इस फोन की तरफ जाना, अदरवाइज ऊपर के चार फोन इससे अच्छे हैं लेकिन किसी कारणवश आपको चारों फोन पसंद नहीं आते, तो फिर Redmi 9A की तरफ आप जा सकते हो। तो भाई ये थे पांच ऐसे स्मार्टफोन्स जो आपको मिल जाते हैं 8000 की प्राइस रेंज के अंदर या 8000 की प्राइस पॉइंट के आसपास। और पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो टॉप पे मैं रखूंगा भाई Realme Narzo 20A को, क्योंकि जो परफॉर्मेंस यहां पर आपको मिलती है इस प्राइस पॉइंट के, किसी भी फोन में आपको इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। Qualcomm Snapdragon 665 प्रोसेसर के कारण मैं उसको रखूंगा नंबर 1 पे, लेकिन अगर मेरा बजट स्ट्रिक्टली 8000 के अंदर है तो फिर मैं बोलूंगा भाई माइक्रोमैक्स इन 1B की तरफ जाओ। 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट भी यहां पर आपको मिल जाता है, इंडियन फोन है, परफॉर्मेंस भी आपको डिसेंट दे देगा, कैमरास भी डिसेंट आपको मिल जाते हैं, ओवरऑल एक काफी अच्छा फोन हो सकता है इन 1B। तो ये दो फोन मेरी तरफ से रहेंगे जो 8000 के आसपास मैं लेना पसंद करूंगा। पोको C3 की तरफ भी आप जा सकते हो, लेकिन वहां पर फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है, तो उस कारण से मैं बोलूंगा कि भाई उसकी तरफ ना जाओ। और उसके बाद में आ जाता है Infinix Smart 4 Plus, तो बड़ी बैटरी अगर आपको लेना है, बड़ा डिस्प्ले लेना है, तो उस फोन की तरफ आप जा सकते हो। और चारों में से कोई भी पसंद नहीं आता है तो फिर Redmi 9A की तरफ देखना है, लेकिन मेरे को नहीं लगता भाई कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिनको ये चार फोन पसंद ना आए और Redmi 9A पसंद आए। लेकिन मैंने मेरी तरफ से आपको पांच फोन बता दिए हैं, अब आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपकी जरूरत के हिसाब से आपको क्या लगता है 8000 के आसपास आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट है, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।